पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं, समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज यह भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं, तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो NTPC RRB के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं NTPC और RRB में, एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलकर एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती, सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की जॉइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए यहां पर आए हैं। आप जानते हैं कि जो परीक्षाओं में जो अनियमितता चल रही है, जो एक प्रशासन की असंवेदनशीलता बच्चों के प्रति दिख रही है, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, नोटिस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है इसका बस एक ही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, और वो ये कि सरकार हमें नौकरियाँ नहीं दे सकती। सरकार आवेदन इसलिए निकालती है जिससे जो बच्चे हैं वो उसमें उलझे रहें, आवेदन में तैयारी करने में 4-5 साल जो अपने यौवन के बच्चे हैं वो उसमें लगा दें। तो मुझे लगता है ये एक तरीका है लोगों को बिजी रखने का, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बोल नहीं सकती कि हम नौकरियाँ नहीं दे सकते, तो उससे अच्छा ये है कि आप आवेदन निकाल दो, बच्चों को बिजी कर दो, और पहले तो एग्ज़ाम नहीं होते, 3-3, 4-4 साल में एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम अगर होते हैं तो फिर उसमें चीटिंग वगैरह ये सब देखी जाती है, सीटों का खरीदना बेचना, एग्ज़ाम अगर हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आती, और इस सब में 4-5 साल खर्च हो जाते हैं, यानी बच्चों को अपना पूरा यौवन, पूरा जो उनका जो एडल्टहुड है वो उसमें चला जाता है। 21 साल की उम्र में कोई बच्चा अगर तैयारी करने में शुरू करता है, करना शुरू करता है, तो 29 या 30 साल की उम्र तक वो तैयारी करता रहता है, और बच्चा ये नहीं समझता, बच्चा अपने आप को गिल्टी समझता है कि मैं नौकरी नहीं ले पा रहा, जबकि एक सिस्टम इस तरह का बना दिया गया है जो इतना कठोर और इतना कठिन है कि उसमें से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपके साथ हैं इस आंदोलन में, इस ये जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से होगा हम आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू। तुम इस संघर्ष के वीर हो, तुम इस संघर्ष के योद्धा। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें मैं जल्दी से कुछ इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, लिखते रहिएगा। सबसे पहले ट्विटर के साथ साथ सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका कि आपको पोस्ट कार्ड देखें, आपने आप सब बचपन में लेटर भेजते थे ना, तो वैसा ही लेटर सुन लीजिए सब लोग। गूगल पे सर्च करोगे तो रेल मंत्रालय, SSC, प्रधानमंत्री, यदि तुम्हें अपने राज्य में भी सुधार चाहिए, मुख्यमंत्री, एक एक रुपए के पत्र आते हैं, एक एक रुपए के लेटर, और उसपे 1 रुपए का या 2 रुपए का लगता है स्टाम्प पेपर, जो वो आते हैं डाक टिकट, तो डाक टिकट चुपका के इन सबको आपको पोस्ट कार्ड भेजने, सबको पोस्ट कार्ड भेजने, जितने भेज सको। अगर एक व्यक्ति एक एक पोस्ट कार्ड भी भेजेगा, कोई माता पिता की हैसियत से, कोई टीचर की हैसियत से, कोई स्टूडेंट की हैसियत से, तो अगर ट्विटर के साथ साथ हम लोग पोस्ट कार्ड भी भेजेंगे तो यहां से भी इनके दिमाग पर कुछ तो जाएगा कि आज सिर्फ वो व्यक्ति नहीं कि जिसको ट्विटर चलाना आता है, वो स्टूडेंट भी जाग चुका है, उसके परिवार भी जाग चुके हैं जो बिल्कुल गांव देहात में रहता है, जिसको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो इनके एड्रेस कि प्रधानमंत्री के घर का एड्रेस क्या है, मुख्यमंत्री के घर के एड्रेस क्या है, और किसका एड्रेस क्या है, ये सब अवेलेबल है, पहला काम। दूसरा काम, ये जितने निठल्ली मीडिया, ये जितनी बिकाऊ और इस देश की एकदम टुच्ची मीडिया है, जो कभी रोजगार, कभी देश की अच्छी स्थिति पर बात नहीं करती, ये जितने भी चैनल है, इन सबको बायकॉट करना है आज से ही। बायकॉट कैसे करना है, उनके सोशल मीडिया हैंडल जितने भी है अभी को सबको अनफॉलो करो, जितने भी इनके यूट्यूब चैनल है
सबको अनफॉलो करो और टीवी पर जो आप देखते हो उसको अनफॉलो करो, चाहे कोई आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, रिपब्लिक हो, जी न्यूज हो, एनडीटीवी हो। जो स्टूडेंट की बात नहीं करेगा वो हमारे फोन में भी नहीं रहेगा किसी भी कीमत पर, चाहे वो कोई चैनल हो, कोई पत्रकार हो, नेता हो, शिक्षक हो, कोई भी। जो तुम्हारी आवाज नहीं उठा रहा उसे अपने जीवन से हटा दो, क्रॉस लगा दो उस पर। रही बात खबर देखने की, तो इनकी सड़ी खबर देखने से अच्छा है, इनकी बीमार खबर देखने से अच्छा है कि तुम एक अखबार की खबर देख लो। गूगल पे सर्च करोगे ना न्यूज, तो 1,00,000 न्यूज खुल के आ जाएंगी। जरूरत नहीं है कि तुम्हें न्यूज के लिए इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। तीसरी चीज, जितने भी नेता हैं जो स्टूडेंट की बात नहीं उठा रहे, चाहे वो किसी भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का चैनल हो, चाहे प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हो, किसी मुख्यमंत्री का हो या किसी का, सबको अनफॉलो करके, इन सबको तुम्हें टैग करके, इनको सबको डिसलाइक करना है। इनको इतना डिसलाइक करो कि ये सोचे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। 2 दिन के अंदर 48 घंटे इस तरीके से माहौल बना दो कि ये 48 घंटे के अंदर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और तुम्हारी बात इनको लानी पड़े कि हम स्टूडेंट के लिए ये हम कर रहे हैं, ये एसएससी में, ये रेलवे, और इस चीज को हम सुधारने के लिए, और इस दिन हम एग्जाम कराएंगे, इस दिन रिजल्ट निकालेंगे, पूरी की पूरी जिस व्यवस्था के लिए हमारी जंग है उस व्यवस्था पर। आज ये मुहिम जो आप लोगों ने छेड़ी है और आपके प्रयासों से और जो बाकी सारे टीचर्स के प्रयासों से और इतने सारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके प्रयासों से आज ये मुहिम बिल्कुल अपने चरम पर है, तो इसको रोकते नहीं है दोस्त। मेरा सुझाव यहाँ पर यही है कि हम यूनाइट होकर यहाँ पे काम करें और अपनी यूनिटी को रिप्रेजेंट करें। और आज जो 11 बजे जो अब बज चुके हैं और 11:05 हो चुके हैं, तो आप अपने ट्विटर हैंडल पर जाइए, नहीं है तो ट्विटर ऐप को डाउनलोड करिए। मैं भी कल ही जुड़ा हूँ ट्विटर पे सिर्फ इसी कैंपेनिंग के लिए, तो ट्विटर पे जाइए और ट्वीट करिए जो आपको ठीक लगे। हम ट्वीट कर सकते हैं स्पीकर फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, क्योंकि रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम कर सकते हैं क्या, हम ट्वीट कर सकते हैं कि भैया स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, बायकॉट एसएससी चेयरमैन, ये सारी की सारी चीजें ट्रेंडिंग पे जा रही है। और हमारी जो मेन डिमांड है सिर्फ और सिर्फ यही है, और हम इस डिमांड को इस ट्विटर कैंपेन के बाद बहुत बड़े लेवल पे आगे लेके जाएंगे और हम पूरे गवर्नमेंट जॉब के चार्टर को ही सही कराएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि भैया फेयर एंड टाइमली एग्जाम होना चाहिए, टाइमली पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। यह नहीं कि आपका एग्जाम हो गया आप रिजल्ट एक एक साल के लिए ना निकालो, वो काम नहीं होना चाहिए। कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में। एनटीपीसी जो 2019 में तुमने अप्लाई करवाया था, जो सरकार के चुनाव से पहले तुमने करवाया था, मैंने अपनी फेसबुक वीडियो में भी कहा था कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है कि चुनाव ही अपने आप में घोटाला है। आपने एक किस्म से घोषणा पत्र जारी किया अपनी सरकार लाने के लिए कि जी हम एनटीपीसी में 1,00,000 नौकरियां निकालने लग रहे हैं और हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, और उसका ट्रेलर ये कि जी हम एनटीपीसी के थ्रू 1,00,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं, 90,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं, और इसके थ्रू आपने अपना प्रचार जारी किया युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप उसको भूल गए। तो अल्टीमेटली बीजेपी ने, सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला तो यही किया कि जो चीज उन्होंने कही वो एक भी पूरी नहीं की। मतलब युवाओं के साथ स्पष्ट रूप से चीटिंग हुई, हमारे वोट इनडायरेक्ट वे में खरीद लिए गए, युवाओं को झूठे सपने दिखाकर वोट खरीद लिए गए। तो ऐसी सरकार को हम यहां पर यह कह रहे हैं कि भैया जो तुमने बोला था उस एग्जाम को कंडक्ट कराओ, वेटिंग लिस्ट हर एग्जाम में होनी चाहिए। और अब हम इसके बाद आज ही हम ट्विटर कैंपेन आगे दौड़ा रहे हैं, हर एक बच्चा ट्विटर पे अपने अपने ट्वीट करिए जैसे भी आपको समझ आता है। मैंने भी ट्विटर आज कल ही ज्वाइन किया सिर्फ इसी के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी ज्वाइन करिए और ट्विटर पे अपने ट्वीट को आगे बढ़ाइए। मेरे दोस्तों हम एग्जाम चार्टर लेके आएंगे, हम सारे प्रयास करेंगे और हर हाल में अब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी हालत में इस मुहिम को अब नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े दिन बाद ये मुहिम उठी है, अब ये उठ गई तो उठने दो। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? तो मैंने भी ट्वीट कर दिया है, आप सब ट्वीट करिए, आगे बढ़िए यार, सोचिए ही मत किसी चीज को लेके। जितने भी टीचर हैं सारे यूनाइटेड हैं, कल हम सब टीचर्स की मीटिंग हुई थी, जो जो शामिल हो पाया उसमें, 8-10 जो टीचर शामिल हो पाए, बहुत सारे शामिल ही नहीं हुए,
लेकिन जो भी शामिल हो पाए सबके एक ही मत से यह प्रस्ताव आया कि भैया अब ये बढ़ी है तो इसको बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाओ, ना तो कोई टीचर डरता है किसी सरकार से, ना कोई इंस्टीट्यूट ओनर डरता है, ना कोई और डरता है, कोई किसी से नहीं डरता, क्योंकि हर काम हर धंधा इस समय सब धंधे पे चोट पहुंची हुई है, ना केवल एजुकेशन, हर एक चीज पे। आपको पता ही अभी डाटा आया 23% गिरावट आ गई जीडीपी में, और मैं तो पता नहीं सच है कि झूठ है फेसबुक पे पढ़ रहा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ना तो हमें नहीं पता उसका क्या लीगल फैक्ट है, वो सही है कि गलत है कि पहली बार हुआ, लेकिन 23% जीडीपी में गिरावट आ गई, हर धंधा पिटा पड़ा है, तुम टैक्स लगातार लिए जाने लग रहे हो, हर तरीके से हर धंधा में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई, 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए, और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे, और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा, मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे, 4-4, 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए। मैं आपको डाटा दिखाता हूं, 2018 की सीजल की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया, बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम, ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को, बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को, आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है, पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पर 4-4, 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं, और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पर लठ बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती है, है? और ये भी पता है, ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश, अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं, 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता।